नंबरदारों बज रहा उक्का उक्का बज रहा भाई बढ़िया थी जो लड्डू खाऊं कहीं के पाट रहा बस दुकान खोली तेरे पड़ोस में भाई बढ़िया भाई पड़ोस में दुकान खुल गई और तेरे ते सौदा लेंगे और कोई बताओगे मगर मड़ा सा हादसा थाम के लियो दूध दो लग रहे ठाण से हम तो दूध दो ही ठाग रहे हैं दुकान पे और ग्राहक तेरे खरीदारी कराऊंगे और पे भी करवाऊंगा नंबरदार तू भी ले और रह जी होगा सर कोई से की बताया दिया ले भाई इसको भी मार रहा है और इसका ही केक रूम में ले जाएगा भाई मैनू कहूं दुकान खोली सामान पमान सा लेते रहियो थारी भरोसा है बिल्कुल सामान ले लेगा और भी बताऊंगे अच्छा नंबरदार और अभी देखूंगा हाँ परमात्मा दुकान खोल तो ली नंबरदारू के हाथ में ही है कि ऊपर चल रहेगी कि ना चल रहेगी सुनिए नंबरदार सुनिए आजा आ गया सुना मगर दुकान खोली तेरे पड़ोस में चल तो जाएगी पर चलेगी उधार में अच्छा तो नगद में तो खड़ी रहेगी चलेगी तो पर चलन में कुछ नहीं चला चलो जी ठीक है नंबरदारू की तो माननी पड़ेगी पर तुम भी निगाह नरम सी राखियो नवी नवी दुकान है उधार में तो नरम ही रहे अच्छा नंबरदार ठीक है इसका मतलब थारे भरोसा है सब कुछ अच्छा नंबरदार तो वह उधार चाह रहे समुद्र उधार का भी जुगाड़ करूं कुछ भी करना पड़ेगा दुकान तो चलाई नहीं यार लगा जी नंबरदार की उधार की तो मैंने आती अभी पूरी करा हम दिख भी लगा नंबरदारू की नरम निगाह बनी रहनी चाह इनके भागते है जो कुछ है भाई इनकी निगाह नरम रही अच्छा चल जाएगी दुकान न तो लागता कुछ उधार की सुविधा भी देंगे वह नंबरदारू को भाई इनकी नरम निगाह तो चाहेगी नंबरदारू की नरम निगाह बिना कुछ नहीं लगता दीख जगह अंतर तो सब है दी गौ माता तेरी जय हो ठीक है ध्यान रखिए दुकान नवी नवी सी और लंबरदारू के पड़ोस में जो कर लंबरदार कह रहे मैं नहीं करूंगा उधार का भी कर दिया नंबरदार सुखी राम राम करो मगर कुछ सामान सुद्धा भी ले जा करो चिन्नी की बोरी है हाँ चिन्नी की बोरी भी है गुड़ भी है मगा लेता था बोरी तो फरे को ले जब तो खेत में बांट रहा हूँ अच्छा पर्चा पेट लिया दिखता है पांक बड़ाई गज्जे के चक्कर में चिन्नी की बोरी बोल रहा है 4000 की चिन्नी की बोरी ए छोरी किसकी तू यहाँ क्यों खड़ी सामान लेने आई ले ले फिर यहाँ दुकान आगे क्यों खड़ी और भी गाहक आवे मेरे दादी ने कहते 9 बजे के बाद उधार शुरू हो जाए मैं तो उधार लूंगी उधार को तेनु मान जे फ्री मिलेगा तेरी दादी की दुकान उधार मिलेगा 9 बजे बता के चाह रंग चाह ले 12 रुपए का लियो बता दिया अपनी दादी को जो उनसे बता रही 9 बजे उधार बोला उधार बता रहे उधार कर नौ बज गए
नौ के बज गए, तुम तो जान को आ गए, नो तो पहले कहां रह गए तुम? दादा जी कपड़े धोने की साबुन है? हां है साबुन। अब तेल की कनिस्तरी है? हां है तेल की कनिस्तरी, पर 1000 की। 9 बजे से पहले नहीं आ सके था तू? मेरे ताऊ ने कहा। तेरे ताऊ का क्या लगेगा, तू भी कह देगा दुकान की ताली लेता ही है। मेरे पापा ने मंडल मार्च मंगाए। 9 तो पहले ना पिता गए तेरे पापा भी जी। ओह नो। मैं पापा ने कहा था अगली गेम है तड़का दे देंगे। अच्छा लिखने की भी टाल है। तू क्या लेकर है? बिल्कुल ले। और तुझे क्या चाह? टोपी। टोपी। तू भी बता दे। चॉकलेट। अच्छा चॉकलेट। और तू है? बिस्कुट। बिस्कुट। और यू? चिप्स। अच्छा तू चिप्स चाह रहा? दुम्मा चिप्स। तू यहाँ ले यहाँ से। बहुत बढ़िया सुविधा मांगी सेठ जी। राम राम। राम राम। तो देखिए चाह है? मैं जाता तो नौकरी चाह जी। अच्छा आप क्यों परेशान हो? इसे पे डिल उधार की सुविधा है बॉनी का समय अजी, इससे तो अच्छे अच्छे परेशान है। एक सलाह दूंगा आपको। सलाह दुकान चलन की होनी चाह, यहाँ के लंबरदारों की तो सलाह आई है उधार चला। दुकान चलन की है जी, चलन की क्या दौड़ेगी। अच्छा? आप होम डिलीवरी क्यों नहीं करते? अच्छा होम डिलीवरी का क्यों होगी? उसमें ग्राहक आपको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर बुक करो और सामान ग्राहकों के घर भिजवाओ। मतलब दुकान में ढोवा ही मचवा दूं? ढोवा क्यों मचेगा, जो आदमी फोन करेगा उसके घर सामान भिजवाओ। और सामान कौन दे जाएगा? मुझे रख लो, मैं पूछूंगा। कहाँ का है तू? तनखा के लेकर? मैं बड़ोत का। मुझे रख लो, 1000 रुपए दे दियो और रसोई का सामान। रसोई का क्या खर्चा है तेरा? 5 किलो आटा, 3-4 किलो दाल, 5-7 किलो चावल, हल्दी दे दियो, नमक मिर्च धनिया, घी की थैली दे दियो, रिफाइंड और रिफाइंड दे दियो, इतना सा ही तो खर्चा है मेरा। बस ये थोड़ा सा ही तो सामान मांग रहा हूँ। ये काजू मुनक्खा बादाम तो ना चाह, चांद पहले ही बताया जी बस तुम्हें। और पीछे कौन ले आकरेगा? पीछे लेके तो पहले दुकान पे ही आया करेगा, या लेके नूंगे तो नूंगा सुद्धा बड़ोती लिकेट जा करेगा। ना ना हिसाब देगा जाया करूँगा। हाँ हिसाब तो देता रहिए, पर कभी दुकान को ऐसी चला देगी या बड़ोती चली जा। अरे मुनीम जी मगा कहाँ भर लिया ये कट्टा? हाँ जी बताओ। मुनीम जी मैंने पूछा था मैं कट्टा कहाँ के नाम का भर लिया यू? इसमें तो जी मेरी रसोई का सामान है। यू इतना ज्यादा ना जी, इसमें 5 किलो आटा है, 3 किलो दाल और 3-4 किलो चावल है, वो बासमती जो लाए थे आप वहां से, और देसी घी है, ज्यादा ना रखा 2 किलो ही रखा बस, हल्दी नमक मिर्च जीरा ले लिया थोड़ा सा, और कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा सामान है। बरिताया से एक और भर ले चाहिए? हाँ जी हाँ, जब जरूरत पड़ेगी मैं तब आ जाऊंगा जी। हाँ बस आशीर्वाद बनाए रखियो मेरे ऊपर। हाँ मेरे ऊपर लंबरदारों का बने रहा, तेरे ऊपर मैं बना। सलाहकार आता नहीं दिखता, दुकान बड़ोती खोली दिखे भाई। भाई उधार कुछ इस मुनीम ने कर दिया भाई, बड़ोती खोल दी दिखे दुकान। अरे सेठ जी, अरे निमट लिया चाल ले सांस। अरे सेठ जी के बाद दुकान बहुत बारी खोलन लग गया वा। नंबरदार केक रहे कहा कि 9 बजे ते पीछा वा। दुकान तो ठीक ठाक ही चल रही होगी, कुछ दिक्कत तो ना? ना कुछ दिक्कत नहीं, 9 बजे तो आधा काम बैठ ले दुकान में, और कुछ रही सही कसर यू मुनीम जी जोड़े भर भर सौंप पिया घर गैर। देखिये सेठ जी ग्राहक की संतुष्टि होनी चाह लग रहे लंबरदार करण, संतुष्टि में कुछ कसर हो तो बता दे हम तो तेरी से मिले। ले ठीक है सेठ जी, तू एक सिगरेट पकड़ा। 10 वाली दो, 25 वाली दो। अरे 25 वाली ले। 25 वाली ले जा भाई, नंबरदारू की बात है, 25 की ना देंगे तू मेरे।
मैंने कहता मगर लंबरदार पीछे देगा कि लिखूं? लिख तो लिख ला तू तेरी राजी ना लिखता पढ़ता दे जामा मेरे यार इतनी बड़ी बात है के सब लिखते पढ़ते ही दें अरे मुनीब जी क्या भर लिया इसमें कंपलसरी सामान लिया रसोई का और ये बिस्कुट ना कंपलसरी नहीं धर रख लिए भले मानस मेरे तभी बूझ लेता कुछ और अपनी सीमेंट ही चल रहा जुकर सीमेंट में नहीं करता चला था इसमें मेरी रसोई का सामान है अरे भले मानस जब तो आया था नौकरी करण ये धोवा मचा रहा है यहाँ से किसमें चलो यह बात तो ठीक है मगर एक बात बताओ क्यों जो है सुख के जा रहे दिन पे दिन अरे जी के बताऊं दिन ते तूर लंबरदार लगे ना दुकान के पीछे मैं तो नहीं मचता हूँ और तुम पड़ गए थरे तो मुझसे भी मोटे मोटे हो गए होंगे घर के मेरा 15 दिन जान लग रहा कट्टा जी हाँ कंपलसरी सामान लेके जाऊँ 15 कट्टा जा रहा तूने बता दे कंपलसरी में तो मैं जब भी चलना हो तो मैं जब बता तू अपना कंपलसरी पूरा कर पिछले महीने में मैं 4 ही तो कट्टे लेके गया मुनीम जी बुरा ना मानते एक बात कहूँ मैं कहूँ दुकान चल पड़ी रेल तभी तेज और जो तुम मेरा पंडा छोड़ दो तो मैं अपनी बाप चला ठीक है थाम अपनी धर्मशाला मैं चला समुनीब राखी हमने तो धर्मशाला बता रहे यार दुकान को ए बड़को लिखड़ो बात नाश्ट कर दिया बिस्कुट आखे बता रही धार चला धार चला ये आज ना कहा तेरी दादी ना कुछ लिए ये की बना रहा है एक भी लंबरदार मुनीम जी ने भी अपना विरोध कर लिया काम शुरू की लंबरदार सब थारी दया है बैठा दिया तेरे कश्म ने बाहर की बात और तो तेरी पर्चा से बदल दिया मैं उधार बिल्कुल ही बंद जी नहीं छोड़ दे पीछा देखा पर चली तो हो गया काम सेठ जी हाँ एक दे दो पैकेट पीछे दे उधार दे दो उधार बंद कर दिया देखो लिख रहा चल ली तेरी तो दुकान जब तू उधार नहीं रहता ओ भाई मेरी चलो ना 14 पर तू जा अपने घर ठीक है भाई दुकान चलवाने वाले अरे सेठ जी मैं गाहक तो देवता हो और तने भगा दिया हूं इन देवताओं ने करवाई है दुकान इनके आगे आज जुड़ू बैठा अरे ठीक है जो तू कर रहा ठीक है या तू एक्सीडेंट पकड़ा और तेरा जितना पिछला हिसाब है ना 2-4 दिन में सारा करूंगा मैं ओ लंबरदार हमने सारा हिसाब छोड़ दिया और तू दिखे मेरा पंडा छोड़